हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। और सबके अच्छे अच्छे वीडियो तो आ ही रहे हैं, बस मेरे वीडियो नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि बच्चों लोग का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, मोबाइल उसमें बिजी रहता है और बच्चों लोग के ऑनलाइन क्लास के पीछे लगना पड़ता है। तो कल गई थी मैं मार्केट, तो वहाँ से तो मैं थोड़ा सा शॉपिंग कर ली, जो घर का जो ज़रूरी का डेली यूज का सामान होता है वही। तो ये देखिए, फर्स्ट ये है हेयर बैंड, तो पहले मैं इसको लगा लेती हूँ। ये लाडो का है, मेरी बेटी का है, मेरा नहीं है। मेरे में भी ठीक ही लग रहा है। ये है हेयर बैंड और ये नेल पॉलिश, ग्रीन कलर का तो नेल पॉलिश सावन में लिए ही थे, अभी रेड कलर का लिए हैं। ये है इबोनी का, इबोनी इस पे लिखा है 85 रुपीज, ये बोनी का है। पहले तो नहीं यूज की हूँ, फर्स्ट बार यूज की हूँ। और ये है 145, इसका सेट नंबर है शायद 145। ये नेल पॉलिश रेड कलर, ग्रीन कलर तो ली ही थी। और ये देखिए एयरिंग, ये ऊपर में मोर बना हुआ है, पिकॉक, तो कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा। एक एयरिंग ली हूँ, रक्षाबंधन से पहले ही जाने वाली थी मगर नहीं जा पाई, तो क्योंकि हस्बैंड बिजी थे फिर मार्केट नहीं जा पाए। और मार्केट हम जाते हैं तो साथ में ही जाते हैं, अकेले नहीं जा पाते हैं क्योंकि बच्चों लोग को भी। ये देखिए सेकेंड वाला एयरिंग, ये दूसरा है और ए वाला तीसरा है, ये वाला सेम है मगर ये थोड़ा सा बड़ा है। तो ये साड़ी या सूट पे पहनूं तो अच्छा लगेगा, आप लोग बताइएगा कैसा लग रहा है। ये दोनों थोड़ा सा सेम है, ये थोड़ा सा बड़ा है और ये वाला तीसरा है। तो ये तीन इयरिंग लिए थे, यहीं पे बैठी हैं लाडो महारानी, हम वीडियो बनाए। और ये तो देखिए मंगलसूत, इसको निकाल के दिखाते हैं, ऐसे है। और इसमें कान का सेट है, ये रेगुलर यूज भी कर सकते हैं, इसका कलर जल्दी नहीं निकलेगा। ये देखिए इसका लॉकेट दिखाते हैं और इसका कान का भी सेट है। आप रेगुलर में भी इसको यूज कर सकते हैं मगर हम रेगुलर में यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम रेगुलर में सोने वाला यूज करते हैं, गोल्ड का यूज करते हैं क्योंकि गोल्ड वाला ही असली मंगलसूत्र होता है। तो कभी कभार पहन लिए, सोने वाला ही को असली मंगलसूत्र बोल जाते हैं, तो इसको डेली हम यूज नहीं करेंगे, कभी कभी यूज करेंगे। वैसे हम मंगलसूत्र लेने नहीं गए थे, आर्टिफिशियल वाले बहुत कम पहनते हैं हम, मगर पसंद आ गया तो ले लिए। तो ये है इसका। और ऐसे ज्वेलरी को अगर आप अच्छे से संभाल के रखेंगे तो बहुत दिनों तक चल जाता है। हम पहले भी लिए थे, मतलब 3-4 साल पहले, वो भी बहुत ज़्यादा दिन तक गया, बहुत ज़्यादा दिन तक गया, इसीलिए अभी ले लिए हैं। कि अभी क्योंकि अभी पर्व स्टार्ट होने वाले हैं, पर्व स्टार्ट होने वाले हैं तो इसको कभी यूज में आ जाएगा। और ये है लाडो का, ये है लाडो का और ये मेरा क्लच है जो कि हम हमेशा लगाते हैं, क्लचर का ही ज़्यादा यूज करते हैं, टाइम नहीं होता है ना। तो और लाडो जी बोल रहे हैं कि इसको भी दिखा दो, और मार्केटिंग हो और लाडो का मार्केटिंग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो ये देखिए कैसा लग रहा है, ऐसे है, इसको ऐसे नहीं पहनना है, इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे करके। लाडू महारानी ज़्यादा एक्साइटेड थी तो इधर उधर कर दी, ऐसे पहनना है लाडो का। ये लाडो को बहुत पहनने का ये सब शौक रहता है, हम जब भी मेरे को पसंद आता है दुकान में जाते हैं, अपने लिए कुछ लेते हैं तो इसके लिए ज़रूर लेके आते हैं क्योंकि लाडो को ये सब पहनना बहुत पसंद है। तो ये लाडो कभी अपना
क्या बोलते हैं लहंगा और लहंगा चुन्नी चाहे फ्रॉक लॉन्ग वाला फ्रॉक पहनेंगी तो उसको पहना देंगे। ये तो कभी कभी जीन्स भी पहन लेती है, मगर जीन्स के लिए ए वाला लाए हैं, एक जीन्स भी पहन सकती है। ये देखिए पूरा स्टोन में लगा हुआ है, ये दिख रहा है कि नहीं देखिए। और ये रेगुलर यूज के लिए रेगुलर यूज के लिए बिंदी। और ये रेड और मैरून, इसका तो हमेशा हर एक दिन काम पड़ता है। ये है और ज़्यादा कुछ नहीं, शॉपिंग किए हैं। और हस्बैंड के लिए कपड़े, तो उनका कपड़ा क्या दिखाना, मेरे कपड़े रहते तो हम दिखाते, उनका कपड़ा दिखाने का तो कोई मतलब नहीं है। उनका कपड़ा दिखाने का कोई मतलब नहीं है। और एक इतना सारा चूड़ी लिए, तीन डब्बा ज़्यादा नहीं, तो दिखा रहे हैं एक एक खोल के चूड़ी। ये देखिए डेली यूज के लिए कलर ठीक है ना, डेली यूज के लिए कलर ठीक है। और ये है दूसरा, लाडो आवाज नहीं करो लाडो। और एक इयररिंग और है, वो अभी को देखे इसमें था, ये छोटा सा है।
और अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छे से कमेंट करिए और ऐसे आप मेरा सपोर्ट करते रहिए, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा बैलेंस बिगड़ जाता है, कभी वीडियो डालते हैं कभी नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, लोगों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और कुछ ऐसे ही प्रॉब्लम चलते रहता है, तो इसीलिए तो आप लोग ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहिएगा।